तो CSV फाइल के काम करने के लिए CSV मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है, डायरेक्ट हमारा काम नहीं हो सकता। ठीक है, मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट CSV, ठीक है, फाइल ओपन करते हैं। fg इक्वल टू ओपन, फाइल का नेम मोड दे देते हैं, यहाँ पे मोड डब्ल्यू मोड कर देते हैं। क्लियर है, रेफरेंस आ गई हमारे पास में फाइल आ गई, लेकिन इस पर सिर्फ फाइल के ही काम करेंगे ऑब्जेक्ट्स मेथड्स जो फंक्शन हमने पढ़े थे। मुझे किसके काम करने, सीएसवी के। तो सीएसवी पे काम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सीएसवी का राइटर गेट करना पड़ेगा। सीएसवी का राइटर गेट करने के लिए मेरे पास में सीएसवी का एक फंक्शन है, इसमें f पास कर दिया हम, इसे csv का राइटर मिल गया। w और w के थ्रू काम करना स्टार्ट कर दूंगा। तो सबसे पहला जो काम रहेगा मेरा w डॉट राइट रो राइट करने के लिए एक सिंगल रो। सबसे पहली जो रो रहेगी हमारे पास में, उस रो में हम जो भी आपको इनको रखना है, जैसे मैंने बोला emp id पहली रो में, पहले कॉलम में मैंने बोला, उसके बाद दूसरा जो कॉलम रहेगा उसमें emp नेम लिखो, मैंने कहा तीसरा जो कॉलम रहेगा उसमें emp f डॉट क्लोज कर दो। कंट्रोल एस करते हैं, रन करके देखते हैं फाइल को, सब कुछ सक्सेसफुल रहा है। डी ड्राइव में जाके देखते हैं कि बना है नहीं बना। तो ये रही एम्प्लॉय इनफो एक्सेल फाइल, ओपन करते हैं। तो दिख रहे हैं तीनों कॉलम, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी। ठीक है, बाकी का मुझे और डेटा लिखना है तो इसके नीचे सारा डेटा लिख लेंगे हम। रन करते हैं प्रोग्राम को, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी। पहली बात तो ये सीएसवी फाइल पे तभी रीड और राइट ऑपरेशन हो सकता है जब ये फाइल क्लोज होगी। अगर फाइल ओपन तो फिर ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। टेक्स्ट फाइल जैसे ओपन होती थी तभी हम ऑपरेशन परफॉर्म कर पाते थे, लेकिन इसमें नहीं होगा। इसे क्लोज करना मैंडेटरी है। अगर ओपन मोड में चलाओगे तो रन आएगा। पहली बात तो ये देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि स्पेसेस एक एक लाइन को छोड़ कर रहा है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में एक एट्रीब्यूट है प्री डिफाइंड जो हमारा ओपन फंक्शन में जाता है, जिससे नेक्स्ट लाइन वाली चीज खत्म हो जाती है। पहली बात तो फाइल ओपन है, मैं इसको रन करूंगा। परमिशन डिनाइड, फाइल ओपन तो उसको परमिशन नहीं है, चेंज करनी है। फाइल को क्लोज करो, दोबारा फाइल को रन करो, डेटा ओवरराइट हो जाएगा।
वाला खत्म करने के लिए न्यू लाइन को हम एम्प्टी कर देंगे, ठीक है? समझ में आई चीज? क्लियर, हटा दूं इसको। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है रीड ऑपरेशन परफॉर्म। डेटा वहां से रीड करते हैं, रीड करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको राइट मोड में ओपन करूंगा। रीड मोड में मैंने आर प्लस अगर करें तो रीड राइट दोनों होगा, दोनों हो जाएगा। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा कि अभी मुझे क्या करना है, इसका रीडर गेट करना है। आर इज इक्वल टू सी एस वी डॉट सारा डेटा आ गया आर के पास। लूप लगा दो फॉर एक्स इन आर, सारा डेटा आएगा लेकिन किसमें कैसे आएगा, इसमें रो में। तो पहली वाली क्या रिटर्न होगी, रो, एक रो आएगी, मतलब लिस्ट में आएगा ये सारा डेटा लेकिन पहले एक रो आएगी, और रो में तीन कॉलम है, तो तीनों कॉलम्स को और अलग करने के लिए एक और लूप लगाना पड़ेगा। एक रो के लिए कॉलम लूप हो गया, एक कॉलम्स के लिए हो गया। कॉलम में से रो में से कॉलम निकाल लेते हैं, ठीक है? प्रिंट करते हैं डेटा को, कॉलम प्रिंट करते हैं। कॉलम के बाद स्पेस देने के लिए मैंने क्या कर दिया, स्लैश टी मार दिया यहाँ पर टैब के लिए, कॉमा, नेक्स्ट लाइन में नाम हो उसके लिए मैंने क्या कर दिया, एंड लगा दिया। तीनों कॉलम एक लाइन में प्रिंट हो जाए पहले, जब तीनों कॉलम एक लाइन में प्रिंट हो जाएंगे जब इनर वाला लूप खत्म हो जाएगा पूरा, तब उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आ जाए। पैरामीटर वगैरह बना देते उस तरीके से, नहीं समझ में आ रहा ये? इसमें कुछ है नहीं, मेरे पास में एक रो आएगी नॉर्मल फाइल की तरह, कौन सी नॉर्मल फाइल की तरह, नॉर्मल फाइल पे काम नहीं कर रहे ना हम लोग, सीएसवी फाइल पे काम कर रहे हैं, नॉर्मल फाइल पे काम कर रहे तो ठीक भी था। मेरे पास आएगी इस तरीके से लिस्ट, पहले उस लिस्ट में पहले होगा आईडी फिर नेम फिर सेल्फ, ये एक रो है, इसके नीचे दूसरी रो, इसके नीचे तीसरी, इस तरीके से रो। मेरे पास पहली रो उठाई मैंने आर में से, वो रो के पास आई, उस रो में से मुझे तीनों कॉलम अलग अलग चाहिए, आईडी नेम और सैलरी, तीनों कॉलम मिलेंगे एक एक बार। पहले आएगी आईडी कॉलम के पास, आईडी प्रिंट हो जाएगी, टी से टैब का स्पेस आ जाएगा और एंड से हम लोग उसी लाइन में जाएंगे, कर्सर नीचे मूव नहीं होगा। दोबारा से एक और कॉलम आएगा नेम, फिर कॉलम इस स्पेस के बाद प्रिंट हो जाएगा, फिर इस टैब आएगा, फिर एंड लाइन से हम उसी लाइन में जाएंगे। तीनों जब प्रिंट हो जाएंगे तो लूप खत्म हो जाएगा इधर वाला, जैसे लूप खत्म होगा प्रिंट से हमारा कर्सर नेक्स्ट लाइन में, तब इस तरीके से आउटपुट आएगा आपको। ओके, तो कैल इज नॉट डिफाइंड, ठीक है? सर अगर हम यहाँ पे ये फॉर लूप नहीं लगाएंगे तो वो क्या लिस्ट लिस्ट में रहेगा? बिल्कुल, आप इस तरीके से प्रिंट कर लेंगे एक लूप पर, तो आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज। तो लूप को आपको लगाना आता ही है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, सिर्फ ऑब्जेक्ट दे रहा है, तो ये ठीक एक रो आती जाएगी हमारे पास ऑटोमेटिकली और हम उसको प्रिंट कर देंगे, ठीक है? इंपोर्ट करना पड़ेगा जैसे।
अब बात करते हैं दूसरी, जिपिंग और अनजिपिंग की। मुझे करनी है जिप्स करनी है फाइल और अनजिप करनी है। जिप करने के लिए हमारे पास में एक मॉड्यूल है जिसका नाम है जिप फाइल। इस जिप फाइल मॉड्यूल की एक क्लास है लेकिन दोनों में डिफरेंस है। जिप फाइल का जेड भी छोटा है और एफ भी छोटा है, लेकिन क्लास का जेड भी बड़ा है और एफ भी बड़ा है। फॉर दैट वी नीड जिप फाइल मॉड्यूल, इट कंटेन ए क्लास जिप फाइल, जेड बड़ा एफ बड़ा, ठीक है। इसका एक मेथड है हमारे पास में जिसका हम यूज करेंगे। जिप फाइल इंपोर्ट स्टार। जिप फाइल फंक्शन में मैं बताऊंगा कि मुझे फाइल किस नाम से क्रिएट करनी है, जिस नाम से आपको फाइल क्रिएट करनी है जिप करने के बाद। उसको क्या नाम रखोगे आप फाइल को? हाँ, जो भी तुम्हें करना है। डब्ल्यू मोड मतलब राइट मोड रहेगा। टू राइट जिप करने के लिए हमारे पास प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट है, ये वाला प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट है जिप फाइल का ही, फाइल को जिप करने के लिए, ठीक है। इसके बाद f dot write करके आपको जितनी भी फाइल जिप करनी है उन सब का नाम दे। ओपन फंक्शन का यहाँ कोई यूज नहीं है, फाइल ओपन थोड़ी करनी है आपको, रीड राइट करने के लिए सिर्फ जिपिंग करनी है। तो हमने ऊपर में फाइल डॉट जिप में नाम दिया कि हमें ये नाम में एज आउटपुट चाहिए। कहाँ नाम दिया है? ये सबसे पहला लाइन ये वाला। हाँ बिल्कुल, जो भी जिप करने के बाद फाइल में नाम दोगे ना उसको, वही नाम तो है ये। और फिर ये कौन सा, ये जो f write, ये दो फाइल को जिप करना है इसमें, और उसका कंटेंट फाइल डॉट जिप में। बिल्कुल भाई, एक फोल्डर नहीं बनता जिप करने के बाद, उसका नाम भी तो अलग होता है। तुम्हारी फाइल तो मल्टीपल होती है, वो नाम थोड़ी होता कोई उसका। ये है आपका प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट टू जिप योर फाइल्स। पहली abc.txt फाइल उठाई मैंने, ठीक है। पहले हम लोगों ने नाम दिया आउटपुट और कंटेंट डाल दिया। बिल्कुल, कौन सी फाइल को मुझे चिप करना है। कैसी भी फाइल रख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। csv फाइल रखो, जैसी रखनी है वैसी रखो, सारी चिप हो जाएगी। कॉल आया है उनका। हेलो, हाँ जी मैम। नहीं वो चला गया, वो 12 बजे वाले बैच में आया करेगा। कह रहा सर मेरा फूट गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। नाम चेंज कर देते हैं, चलो राइट मोड में ही ओपन होगा ये। बन गई जिप फाइल, खोल के देखो। पाइथन से तो हमने की है, फाइल आई है पाइथन से। ये इन दोनों फाइल एबीसी और मेम डॉट सी एस। आई बात समझ में? अब तुम यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लो, वहाँ से भी एक्सट्रैक्ट करना दिखा दूंगा। ये समझ में आ गया, ये वाला कोड कुछ है थोड़े इसमें पाइथन में, सब छोटे छोटे से मैं काम। ये ऐसा कुछ कर रहे थे कि जैसे पहले पाइथन जी फाइल एक फोल्डर बना रहा है, उसमें फिर फाइल्स को उसको कॉपी पेस्ट कर रहा है। पहले ही बन गया ना जिप फाइल को। हाँ, पहले वो जिप फाइल बन गया, फिर उस पर रख रहा था इसको, यहाँ से उठा के वहाँ रख दिया, कॉपी पेस्ट कर रहा है।
साथ में फोल्डर के साथ किया, साथ में फोल्डर भी किया फाइल आईओ पाइथन में, वो फोल्डर भी है तो फोल्डर भी है वही राइट का मतलब एग्जीक्यूशन है यार राइट। अगर दो अलग-अलग हम पाथ देंगे तो दो अलग-अलग फोल्डर बनेगा जिप के अंदर, फाइनल फोल्डर को ओपन करते हैं ना, दो अलग-अलग बनेगा फिर अलग-अलग से दो में तो फिर अलग-अलग ठीक है। चलो अब इसको अनजिप कर लेते हैं। एक लाइन दो लाइन का कोड है बस अनजिप करने के लिए। पहली बात तो आपको अनजिप किस चीज़ को करना है और कहाँ पे करना है, बस दो चीज़ें बताना है। कौन सी फाइल को अनजिप करना है, अनजिप का पाथ डी ड्राइव में पड़ी हुई है हमारी पाइथन। ठीक है, ये जिप रेफरेंस वही एफ है, कुछ भी ले लो जो भी तुम्हें लेना हो। यहाँ बस आप बताओगे कि मुझे यहाँ पे जिप करनी है, तो कोई एक फोल्डर बना लेते हैं उसके अंदर दे दीजिए, क्योंकि अगर मैं यहीं पे कर दूंगा तो फिर इसी फोल्डर के अंदर चले जाएंगे चीज़ें। तो मैं एक और नया फोल्डर बना लेता हूँ डेमो नाम से। ठीक है, डेमो नाम के फोल्डर की लोकेशन दे देता हूँ। अब तो ठीक है, रन करते हैं इसको। चलो डायरेक्टरीज पे काम करते हैं। एक ही चीज स्टार्टिंग में पढ़ेंगे जिप फाइल के साथ, वो जिप क्लास वाला था वो क्या था? ये जिप फाइल है, जिप फाइल की ये जिप क्लास है जिसमें हम पास कर रहे हैं प्रॉपर्टी, तब जाके वो हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है। अगर सर ने वहां स्टार नहीं लगाया, स्टार लगाते तो जिप फाइल लिखना नहीं पड़ता। फ्रॉम करके आता है फिर उसमें डायरेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो अब आते हैं वर्किंग विद डायरेक्टरी। डायरेक्टरी के साथ काम करने के लिए सबसे पहले तो मॉड्यूल चाहिएगा आपको OS, इसके बिना किसी भी डायरेक्टरी का काम नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज जो आती है हमारे पास में डायरेक्टरी में, सबसे पहली चीज आती है CWD, मतलब करंट वर्किंग डायरेक्टरी। मुझे अगर गेट करनी है मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है इस टाइम पे, तो मैं os.getcwd कर सकता हूँ और उसके बाद CWD को प्रिंट करा दो। तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी दिखाएगा अभी, जहाँ पाइथन की हमारी फाइल रखी है? थोड़ा बिल्कुल बिना कॉपी कर दो। ठीक है, अगर डायरेक्टरी चेंज करनी है आपको करंट वर्किंग डायरेक्टरी से, मुझे दूसरी जगह पे जाके काम करना है, मतलब ये भी डायरेक्टरी चेंज करनी, डायरेक्टरी चेंज कर सकते हो। उसके लिए हमारे पास फंक्शन है os.chdir चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, चेंज डायरेक्टरी कुछ भी कहीं की भी दे दो, फिर वो आपको वो डायरेक्टरी बताएगा। मैंने बोला चलो डी ड्राइव में पहुँचा, आप चाहो तो डी में भी किसी फोल्डर में पहुँचा सकते हो आगे तक, उसको वो फोल्डर तक चला जाएगा। डायरेक्टरी क्रिएट करनी है मुझे, सपोज करो सबसे पहला टास्क आता है मुझे डायरेक्टरी को ही क्रिएट करनी है, तो डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए वही एम के डी आई आर फंक्शन आपको एम के डी आई आर, ये सब सारे इम्पोर्ट वाइज कर दो। बिल्कुल जी, जो भी डायरेक्टरी काम हो गया इम्पोर्ट वाइज।
डी ड्राइव में फोल्डर बनाओ एक, कभी-कभी हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाना, डेटा नेस्टेड फोल्डर बनाना। तुम अगर MKDIR से करोगे ये वाला काम, मैंने बोला पाइथन क्लासेस के अंदर पाइथन नाम का फोल्डर बनाओ, पाइथन नाम के फोल्डर के अंदर भी मेरा मैंने बोला कुछ भी और फोल्डर बनाओ, जैसे मैंने बोला फाइल्स नाम से बना लो। अगर मैं इसको इससे करूंगा MKDIR से तो काम नहीं करेगा, नहीं करेगा। The system cannot find the path specified. वो find क्या कर रहा है वो देख रहा है पहले python class है क्या, फिर उसमें python है क्या, double slash लगा लो, copy नहीं काम करेगा। last वाले को create करेगा वो। ठीक है, the system cannot find the path। files को create करने की कोशिश कर रहा है किसके अंदर, python classes python के अंदर जाते हैं। लेकिन अगर आपको इतनी बड़ी डायरेक्टरी, इतनी बड़ी इससे बड़ी, जब भी आपको कुंडी कभी करनी हो तो MAKE make BIRs पूरा मेक आएगा, फिर एम के से बात नहीं करनी। अभी आपके लिए पूरी डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। अगर वो होता तो बना देता, नहीं होगा एक साथ तो फिर मतलब फोल्डर के अंदर फोल्डर के अंदर फोल्डर के अंदर तो ये बनेगा तुम्हारा MKDIR। क्योंकि वो लास्ट वाले को बनाने की कोशिश करता है, सिर्फ एक ही डायरेक्टरी बनती है। वो क्या चेक कर रहा है, डी ड्राइव में पाइथन क्लासेस फोल्डर है या नहीं है, पाइथन क्लासेस फोल्डर में भी पाइथन फोल्डर है या नहीं है, उस पाइथन फोल्डर में जाकर वो फाइल्स को क्रिएट करने की कोशिश करेगा। तो नहीं क्रिएट करेंगे, तभी तो मना कर रहा है कि ऐसी डायरेक्ट मेरे पास में ऐसी कुछ जो तुमने बताई स्पेसिफाइड लोकेशन है। ये क्या करेगा, ये सबको क्रिएट कर देगा। सर अगर मैं इसको दोबारा रन करूं तो क्या ओवरराइट कर, ओवरराइट कर देगा पता ना। अब आता है रिमूव डायरेक्टरी। ये कौन सी डायरेक्टरी को रिमूव करेगा, फाइल्स, सिर्फ फाइल्स, लास्ट वन सब को डिलीट नहीं करेगा। अगर तुम सबको इससे डिलीट करने की कोशिश करोगे, तुमने कोशिश की, तुमने कहा कि चलो यार मैं सिर्फ इतना लिख के छोड़ दो, मैंने कहा पेरेंट डायरेक्टरी का नाम दे देते हैं, चाइल्ड वाली सब नहीं करेगा, नहीं करेगा। डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी, अगर एम्प्टी होगी तो ही कर पाएगा, एम्प्टी नहीं होगी तो नहीं कर पाएगा। आई बात समझ, फिर जब भी अगर एक साथ डायरेक्टरी सारी डिलीट और करनी होगी तो
या तो पूरा पास देना पड़ेगा अगर इस तरीके से नहीं काम करेगा, पूरा पास देना पड़ेगा। रिमूव करना अगर फाइल को किसी को टेक्स्ट फाइल वगैरह को तो उसके लिए रिमूव फंक्शन है आपका, ये तो था डायरेक्टरी के लिए। एक तो था RMDIR सिंगल डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए, होल डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए रिमूव DIR, ठीक है। और हमारे पास एक रिमूव फंक्शन है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फाइल को डिलीट कर सकते हैं। D-drive में गया मैं, फाइल आई जो फाइल इसमें से कोई भी एक टेक्स्ट फाइल को पकड़ लो या कोई सी भी जैसी भी फाइल आपको रिमूव मारनी है। क्लियर हुआ, तो फाइल को रिमूव कर सकते हैं, डायरेक्टरी को रिमूव कर सकते हैं। ये सारे ऑपरेशन के लिए वॉइस को इंपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ अच्छा, फाइल वाला तो कल मैंने पढ़ाई किया था, जैसे ईच फाइल है या नहीं फाइल चेक करने के लिए। ऐसे DIR के लिए भी हमारे पास में ईच DIR फंक्शन है, दैट इज द प्री डिफाइंड। जैसे मैंने यहाँ पर बोला फाइल आई हो, ये मेरी डायरेक्टरी है या नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, अगर ये मेरी डायरेक्टरी होगी बुलियन वैल्यू रिटर्न होगी, इसमें भी बुलियन वैल्यू रिटर्न होगी। अगर ये डायरेक्टरी होगी तो बुलियन वैल्यू नहीं करना, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे डी ड्राइव में तुमने, चलो मैं एक चीज करके दिखाता हूँ, ये हमारा फाइल IO फोल्डर है, इसके अंदर एक डायरेक्टरी पड़ी हुई है,
बाकी की ये टेक्स्ट फाइल है, ये CSV फाइल है, ये टेक्स्ट फाइल डेटा फाइल है, बाकी की एक्सेल फाइल, इस तरीके की फाइल। मैंने क्या किया यहाँ पे, ओपन फंक्शन चलाया मैंने, मैंने बोला डी ड्राइव में जाऊं, फाइल आईओ पाइथन के अंदर जाओ, राइट मोड से एक फाइल बनाओ किसी भी नाम से, तो वो फाइल किस टाइप की बनेगी, तो आप देखोगे इसमें XYZ नाम की एक फाइल बनेगी जिसकी कोई एक्सटेंशन नहीं है। अब एक डायरेक्टरी है और एक XYZ फाइल है। अब हमारे पास में यहाँ पे OS का एक लिस्ट DIR फंक्शन है जिसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, सारी चीजों को गेट कर सकता हूँ कि उसमें कितने आइटम्स हैं। प्रेजेंट डायरेक्टरी मैंने इंपोर्ट किया OS को, मॉड्यूल को, ठीक है, मैंने एक लिस्ट बना लिया इज इक्वल टू OS डॉट लिस्ट DIR, ठीक है। इसके अंदर मैं गया इसके अंदर तक गए, मैंने बोला इसमें जो जो कंटेंट है वो सारा निकाल दो, फॉर लूप लगा दिया मैंने, टैग लिया इन लिस्ट वन और प्रिंट करवा दिया मैंने, सारी चीजें प्रिंट हो गई। अब देखो इसमें एक DIR आया और एक XYZ आया। अभी मुझे तो पता है कि DIR फोल्डर है और XYZ एक फाइल है जिसकी कोई एक्सटेंशन नहीं, बट यहाँ देखने से तो नहीं पता चल रहा ना कौन सा फोल्डर है कौन सी फाइल है। आई बात समझ में, अगर आपको ये चीज चेक करनी है कि मेरी कौन सी डायरेक्टरी नहीं है इस DIR काम करेगा, तो मैंने कहा जो जो सिर्फ डायरेक्टरी है वही प्रिंट करके रखिए, जो डायरेक्टरी नहीं है उसको प्रिंट मत करो, या जो डायरेक्टरी नहीं है उसको छोड़ दो, जो डायरेक्टरी नहीं है उनको, जैसे भी आपका मन हो वो आप लॉजिक लगा सकते हो, बट मैं करके दिखा देता हूँ। एक्स आएगी, लेकिन एक्स यहाँ पे सिर्फ फाइल का नाम आ रहा है, ये याद रखना, फुल पाथ नहीं दूंगा, तो वो करंट वर्किंग डायरेक्टरी पे जाके ढूंढेगा abc.txt को, अगर उसे करंट वर्किंग डायरेक्टरी पे मिल गई तो उसका कुछ बता देगा, नहीं मिली तो कुछ नहीं बताएगा, तो मुझे पाथ सेट करना पड़ेगा पहली बात, ये याद रखना, क्योंकि यहाँ सिर्फ फाइल का नेम आ रहा है, पाथ नहीं आ रहा, मुझे उस पाथ में जाके ढूंढनी है ये फाइल है क्या है, ये डायरेक्टरी है फाइल है क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले इफ लगाऊंगा, इफ फंक्शन में मैं क्या करूंगा यहाँ पे os.path.isdir, isdir में अब मुझे सेट करना है पाथ, डी ड्राइव में फाइल में और प्लस कर दो, तो पूरी डायरेक्टरी बन गई। अब जो डायरेक्टरी है सिर्फ उसको प्रिंट कर दो, जो डायरेक्टरी नहीं है उसको बाहर निकाल दो, बात आगे समझ लो। तो अभी एबीसी को उसने एक्सेप्ट नहीं किया XYZ को, XYZ को डायरेक्टरी पड़े ये प्लस एक्स के बात है, अरे वो एक्स की वैल्यू आई ना, नेम आया उसमें पहले एबीसी नेम आया, वो पाथ के साथ गया, चेक किया हमने इस पूरे पाथ में abc.txt आई, फिर DIR आया, फिर उसको चेक किया, इस तरीके से एक 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 वैल्यू आएगी ना, पाथ के साथ प्लस करने का मतलब है ये आधा पाथ इतना था, फिर ये फाइल का नाम तो चेंज हो रहा है, ये थोड़े पहले से स्पेसिफाई कर सकता हूँ मैं कोई, या तो ये फाइल करके भी कर सकते थे, फिर वो फाइल चेक कर सकते थे, फिर फाइल जो भी तुम्हें करना है उस हिसाब से कर लो, तुम्हारे पास दोनों फंक्शन है, फाइल फंक्शन भी है, डायरेक्टरी भी गेट कर सकते हो, वो भी गेट कर सकते हो। तो अभी ये चीज समझ में आ गई ना कि यहाँ जो सिर्फ फाइल पर अगर एबीसी को चेक करोगे
एक्स वाई जेड को, तो वो फॉल्स आएगा उस केस में, इसीलिए तो वो प्रिंट नहीं होएगा ना, वो प्रिंट हो जाएगी। तुम चाहो तो इसमें और डायरेक्टरी बना लो एक और, एक्स वाई जेड से बना लेते, क्या दिक्कत हो रही है। चलो कोई नहीं, न्यू फोल्डर से रहने तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये सिर्फ उन्हीं को चेक करेगा, बाकी किसी को चेक नहीं करेगा, तो ये सही है, काम की चीज है। रीनेम, रीनेम करना है मुझे किसी डायरेक्टरी को, डायरेक्टरी और फाइल दोनों को रीनेम करने के लिए सेम लॉजिक लगेगा। इसी तरीके से फाइल का नेम चेंज कर सकते हो, इसी तरीके से डायरेक्टरी का नेम चेंज कर सकते हो, इसके लिए अलग अलग फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये रिमूव रीनेम डायरेक्टरी करके ऐसा कुछ नहीं है। ये पहली वाली तो आपको कौन सी को डायरेक्टरी को चेंज करना है, बिल्कुल मैंने बोला इसको चेंज कर दो किसी दूसरे नाम से। दूसरा वाला जो चेंज करना है नया नाम, अब जैसे ये एबीसी फाइल है, अभी इसको अगर मुझे चेंज करना है, एक बहुत अच्छा सा फंक्शन बताता हूँ, ये सारे काम करते हैं और इससे भी ज्यादा बहुत अच्छी चीज है। कंप्यूटर ने देखा होगा हम लोग कोई कोई कमांड चलाते हैं, तो वो कमांड क्या करती है, हाँ, हर एक फाइल को रिट्रीव करके देती है, करंट वर्किंग डायरेक्टरी को रिट्रीव करके देती है, और उसके अंदर जितनी डायरेक्टरी होती है, जैसे कितनी डायरेक्टरी है, कितनी फाइल है, ये बताती है डायरेक्टरी के नेम और फाइल के नेम। फिर वो जो डायरेक्टरी होती है उन डायरेक्टरी में घुस घुस के और जितनी भी डायरेक्टरी है उनके भी नेम फाइल्स के नेम, मतलब घुसता ही जाता है अंदर तक। सेम लाइक दैट हमारे पास में ओएस का वाक फंक्शन है। सबसे पहले तो मैंने बोला कि कहाँ जाना है आपको, सबसे पहले तो आप सी एच डी आई आर से इसकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी चेंज करोगे। मैंने बोला डी ड्राइव में जाओ, डी ड्राइव में जाके और वहां पे जाओ आप पाइथन 2 के अंदर, आईओ के अंदर, ठीक है, ये मैंने बोला ये मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी। मैंने तीन वेरिएबल लिए, डी आई आर पाथ, डी आई आर नेम्स, डी आई आर फाइल नेम्स, फाइल नेम, dir नेम और पाथ। ओएस डॉट वर्क चलाया और डॉट रिप्रेजेंट करता है करंट वर्किंग डायरेक्टरी को, ये आपको पता ही होगा। तो मैंने वह डायरेक्टरी तो ऊपर ही चेंज कर दी, डॉट से करंट वर्किंग डायरेक्टरी पे गए, करंट वर्किंग डायरेक्टरी से वो dir पाथ निकालेगा, dir नेम निकालेगा और फाइल्स के लिए, मतलब अभी कहां पे हैं हम लोग, इसमें कितनी डायरेक्टरी है, कितनी फाइल है। फिर उसके बाद घुसेगा जो डायरेक्टरी दूसरी वाली होगी उसमें, उसके अंदर उस डायरेक्टरी में जाएगा, पहले उस डायरेक्टरी तक की लोकेशन प्रिंट करके देगा, फिर उस डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या है वो प्रिंट करके देगा, फिर दूसरे फोल्डर में जाएगा उस तक का। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, पहले तो डॉट ही मिलेगा, पाथ मिलेगा, वी कैन करंट वर्किंग डायरेक्टरी में। डी आई आर नेम से हमारे पास दो डायरेक्टरी, एक डी आई आर नाम से, एक न्यू फोल्डर नाम से, और बाकी की सब फाइल्स के नेम देगा। उसके बाद जाएंगे हम डी आई आर पाथ के अंदर, तो डी आई आर पाथ में क्या आएगा, डॉट स्लैश डी आई आर, ये पाथ हो गया हमारा करंट पाथ, उसके अंदर ना तो डायरेक्टरी है ना ही फाइल है, तो एम्प्टी एम्प्टी देगा। फिर जाएगा न्यू फोल्डर के अंदर, उसका पाथ क्या बनेगा, डॉट स्लैश न्यू फोल्डर, ना उसके अंदर आपको कुछ मिलेगा। तो डॉट का मतलब वहां प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, करंट वर्किंग डायरेक्टरी डॉट डी आई आर न्यू फोल्डर, दो डायरेक्टरी, बाकी की ये सारी फाइल्स मिली उसको।
पहली डायरेक्टरी में गया /dir, ना तो उसको वहाँ डायरेक्टरी मिली ना ही उसको वहाँ फाइल मिली। उसके बाद गया वो न्यू फोल्डर के अंदर, ना उसको डायरेक्टरी मिली ना ही फाइल मिली। अभी देखो मैं यहाँ पे अगर डी ड्राइव करके छोड़ दूँ इसको, कहाँ तक चलता जाएगा, हर फोल्डर के अंदर जाएगा और हर डायरेक्टरी के अंदर जाएगा, इस प्रोग्राम देखो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा जब तक सारी चीज़ों को रीड नहीं कर सकेगा आप। आएगा समझ में? तो ये बहुत काम की चीज़ है। इंस्टेड ऑफ डूइंग कि भैया पहले जाओ फिर उसके अंदर घुसो फिर उसके अंदर घुसो खुद से मैनुअली, ये सारी चीज़ें आपको खुद ही करनी पड़ेगी। डी ड्राइव में तो बहुत कुछ बना हुआ है, क्लियर है क्लाउड रूम हमारे पास में इंफॉर्मेशन गेट करना है फाइल की। तो ओएस का एक मॉडल हमारे पास में स्टेट फंक्शन है जिसके थ्रू हम एक फाइल की इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन में एसटी मोड प्रोटेक्शन बाइट्स, आई नोड जो होता है आपके पास में, हमारे यहाँ पर आई नोड होता है, डिवाइस वाला कितनी लिंक बनी हुई है, लिंक वगैरह यहाँ पे नहीं बनती है, हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक जो बनाते हैं, अभी तो मैंने सिखाया होगा, सिखाएंगे तो मैं आगे का ऊपर या नेक्स्ट में एक फाइल की हार्ड लिंक और हो गया हाँ, तो हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक बनाना। यूजर की आई डी कौन सी यूजर है, ग्रुप आई डी, साइज क्या है बाइट्स में, मोस्ट रिसेंट एक्सेस टाइम क्या है उसका, मोस्ट रिसेंट मॉडिफिकेशन टाइम क्या है उसका, मेटा डेटा मतलब फाइल आपकी कब क्रिएट हुई थी, वो मेटा डेटा चेंजेस हुआ, रीनेम करने पर कोई भी मेटा डेटा में चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आप गेट कर सकते हो। एक चीज आती है, अब यहाँ पे मैंने अभी आपको डेट टाइम नहीं पढ़ाया है तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ उसके बारे में। जैसे लिनक्स में टाइम स्टैम्प होता है, इसी तरीके से पाइथन में भी टाइम स्टैम्प होता है। टाइम स्टैम्प का मतलब होता है कि कोई एक साल होती है वहां से अब तक की मिलीसेकंड जितनी भी होती है वो टाइम होता है बेसिकली। तो यहाँ पे है जनवरी फर्स्ट 1970 से अभी तक जितनी भी मिलीसेकंड्स हो चुकी है ये उनको मुझे रिटर्न करके देगा। तो अभी उनसे मुझे निकालना है करंट टाइम, उनसे करंट टाइम निकालने के लिए डेट टाइम मॉड्यूल है मेरे पास में। उस डेट टाइम मॉड्यूल का मेरे पास में एक प्री डिफाइंड फंक्शन है फ्रॉम टाइम स्टैम्प, मैं अगर उसमें वो मिलीसेकंड्स प्रोवाइड कर दूंगा तो मुझे करंट टाइम निकाल के देगा, ठीक है, तो हम इसका यूज करेंगे। वो तो रिटर्न करके दे रहा है ना इसकी ए टाइम, ये तो मिलीसेकंड्स में ही देगा ना, कन्वर्टर तो मुझे करना पड़ेगा ना उसका, तो और इससे ज्यादा सिंपल क्या हो सकता है, नॉर्मल एक कमांड से निकल जाएगा। वो कमांड से तो फिर लिनक्स में निकालोगे ना, ये तो पाइथन का टाइम स्टैम्प बात कर रहे हैं हम लोग, ये पाइथन का टाइम स्टैम्प है, ये विंडो का टाइम स्टैम्प नहीं है, ये पाइथन का टाइम स्टैम्प है। डेट टाइम इम्पोर्ट किया और ओएस इम्पोर्ट किया, ओएस डॉट स्टेट कोई भी फाइल उठा लो एक आप इस फोल्डर में से। अब हमारे फोल्डर का नाम है पाइथन आईओ, पाइथन आईओ की कोई भी एक फाइल उठा लो जिसका हम काम कर सकें, माई फाइल डॉट टीएक्सटी, उसका साइज एसटी डॉट साइज, ये एक वेरिएबल गेट कर लिया स्टेट नाम से, स्टेट डॉट एसटी डॉट साइज, स्टेट डॉट एस टी डॉट ए टाइम यानी कि एक्सेस टाइम, और उसको हमने टाइम स्टेप में कन्वर्ट करके करंट टाइम निकल आएगा। उसके बाद हमने उसको मॉडिफिकेशन डाला, इसी तरीके से साथ दो एक चीज़ें और गेट करके दिखा दूंगा अभी मैं, पहले इसको देख लेते हैं। स्टेट एक प्री डिफाइंड फंक्शन है उस फाइल की स्टेट गेट करने के लिए, ये तो वेरिएबल है कुछ भी नाम रख लो, ये तो कुछ भी रख लो ना, प्री डिफाइंड फंक्शन है स्टेट गेट करने के लिए फाइल की इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए, इंफॉर्मेशन ही पे निकाल रहे हैं कब फाइल हमारी मॉडिफाई हुई, क्या साइज है उसका, ठीक है, 12:46 आज सुबह ही काम किया था।
सुबह वाली क्लास में 12 बजे तभी एक्सेस की थी फाइल, तभी मॉडिफिकेशन कर दी है। 12:40 का टाइम है, ठीक है। बाकी की जैसे अब तुम यहाँ पे गेट करोगे, देखो ये तो तुम्हें भी पता है कि बाय डिफॉल्ट जो ग्रुप आईडी और यूजर आईडी हमें मिली हुई होती है वो 0 होती है, यानी कि पेरेंट वाली वही होती है हमारी, सुपर यूजर वाली, तो यहाँ पे भी 0 ही आएगा तुम्हारे पास में। ये डेट टाइम डॉट फ्रॉम टाइम स्टैम्प जो है, फ्रॉम टाइम स्टैम्प का अंदर जो प्री डिफाइंड वेरिएबल फंक्शन 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 यूआईडी यूजर आईडी, ठीक है। और सर एक चीज और, ये जो स्पेस स्पीड डॉट टाइम दिखा रहा है, ये टाइम ये सेकंड में दिखाता है, अगर हम कन्वर्ट नहीं करेंगे मिलीसेकंड में। यूआईडी ग्रुप आईडी वो भी 0 आएगी, INO, INode, बिल्कुल होता है, फाइल नहीं होगा अगर नोड नंबर नहीं होगा तो फिर फाइल को कैसे पता चलेगा कहाँ जाके स्टोर हो रही है। फंडामेंटल तो वही है ना इंटरनली, तो दोनों का बस इंटरफेस ही तो दोनों में चेंज कर देंगे भाई, जो लिनक्स का होता है ना वो सारी चीज़ें इधर भी होती है, मुझे भी नहीं कह रहे नॉलेज थी, एक विंडो पढ़ाने आते हैं सराम आने यहाँ, मतलब बहुत ही सारी चीज़ें हैं लेकिन यहाँ अलग तरीके से होती है वो सारी चीज़ें, वहाँ सारा कुछ कमांड से होता है, यहाँ भी कमांड से काम हो जाता है। CWD से जो आपका कमांड प्रॉम्प्ट है बहुत कमांड होती है, बहुत सारी चीजें, और बाकी का तो ये फिर GUI में इसने सब कुछ दे ही रखा है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं उधर जैसी यहाँ पर। ये सब समझ में आ गया, ये सारी चीजें आप गेट कर सकते हैं फाइल से रिलेटेड। लास्ट टॉपिक है हमारा इसका पिकलिंग और अनपिकलिंग। क्लास और ऑब्जेक्ट तो आप सबको आता ही है, ऊप्स कॉन्सेप्ट तो पिकलिंग और अनपिकलिंग कर लेते हैं। पिकलिंग और अनपिकलिंग में क्या होता है, जैसे मेरे पास में कोई एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को मुझे राइट करना है, फाइल पर राइट करना है, डेटाबेस में राइट करना है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो एक का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता, मतलब कहने का मेरा ये है, तो ऑब्जेक्ट को मैं फाइल पर कैसे राइट कर सकता हूँ, उसकी तो कोई स्टेट ही नहीं होती ना ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट की स्टेट मतलब स्टेट का मतलब है कैसे पता चलेगा क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, उसके बाद तो एक एड्रेस होता है, वैल्यूज सारी उसके अंदर होती है, स्ट्रक्चर ही नहीं होता। तो अभी मुझे अगर ऑब्जेक्ट को राइट करना है उसके अंदर की जो वैल्यूज है वो फाइल पे तो ऐसी थोड़ी चीजें होंगी, तो बाइनरी डेटा में आता है पहली बात तो आपका पिकलिंग वाला कॉन्सेप्ट, ये ऑब्जेक्ट वाला ये बाइनरी डेटा में आता है, मतलब बाइट्स में होता है, बाइनरी में कन्वर्ट करके तब हम लोग राइट करते हैं, वहां से फिर रीड करते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट को फाइल पर राइट करने का प्रोसेस है वो पिकलिंग है भाई, ऑब्जेक्ट पहले बाइट्स में कन्वर्ट होता है तो फाइल पर राइट होता है। तो सर इन कॉन्टेक्स्ट को एक्चुअल में प्रिंट क्या करेगा, हम जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो नहीं प्रिंट होगा ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, फिर वहां से मैं उठाता हूँ क्या वैल्यूज उठाता हूँ फिर उसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता हूँ, वो प्रोसेस होता है अनपिकलिंग। पिकलिंग और अनपिकलिंग, पिकलिंग प्रोसेस क्या हुआ, ऑब्जेक्ट को फाइल पर राइट करना, फाइल पर राइट डायरेक्ट नहीं होता, बाइट्स में कन्वर्ट होकर राइट होता है, बाइट से फिर दोबारा से ऑब्जेक्ट बनाना एक्चुअल ऑब्जेक्ट, वो मेरा क्या हो जाता है अनपिकलिंग। जब एक्चुअल ऑब्जेक्ट बन गया तो फिर अभी डिस्प्ले फंक्शन में कॉल कराओ उससे कुछ भी करो, अब फाइल्स थोड़ी प्रिंट करा रहे तुम ऑब्जेक्ट बना रहे उससे एक, फिर वो जाके मेमोरी में स्टोर होगा, फिर तो तुम्हें जो ऑपरेशन परफॉर्म करने वो ऑपरेशन परफॉर्म करो जो उसमें हमने काम किया था वो। तो एक क्लास बना लेते हैं लोग स्टूडेंट, ठीक है।
एक डिस्प्ले फंक्शन बना लेते हैं जो इनसाइड पेज को प्रिंट करेगा। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं STG equal to student value provide कर देते हैं 101। ये काम हो गया। अब करना है हमें फाइल में इसको राइट करना। फाइल में राइट करने के लिए पिकलिंग के लिए हमारे पास में एक पिकल नाम का मॉड्यूल है। पिकलिंग में काम करने के लिए हमारे पास में एक पिकल नाम का मॉड्यूल है जिसमें हमारे पास में पिकल करने के लिए मतलब राइट करने के लिए डंप नाम का वेरिएबल मतलब फंक्शन है जिसमें हम पहले क्या देते हैं ऑब्जेक्ट का नाम, दूसरा फाइल का नाम, कौन सी फाइल पर राइट करना है। ठीक है, तो इंपोर्ट कर लेते हैं पिकल को। पिकल इंपोर्ट हो गया, फाइल को ओपन कर लेते हैं f इज इक्वल टू फाइल डी ड्राइव में जाओ। फाइल ओपन होगा, ओपन होगा वहां फाइल नहीं दिखा रहा है, ओपन होगा। फाइल का नेम दे देते हैं यहाँ पे आप हम लोग स्टूडेंट इनफो डॉट डेटा। ठीक है, डॉट डब्ल्यू बी बाइनरी डेटा। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, पिकल करना है इसको। पिकल करने के लिए मैंने भी बताया था फंक्शन डंप। डंप फंक्शन में पहले क्या जाता है ऑब्जेक्ट का नाम, उसके बाद कॉमा लगा के उसमें क्या जाता है फाइल, और उसके बाद हम करेंगे एफ डॉट स्टूडेंट इनफो। देखो कुछ थोड़ा बहुत में समझ में आ जाएगा मुझे, इसकी बात नहीं। नेम स्टूडेंट, स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम अमित, एज बाइनरी डेटा होता है। अभी हमें बाहर डेटा राइट हो गया, परमानेंट डेटा है आपके रैम वगैरह का नहीं। अभी इसी ऑब्जेक्ट को तुम्हारा जब मन हो जब इसको रीड करो, बट क्लास होनी चाहिए उसके लिए। भाई ऑब्जेक्ट तो तभी बिल्ड करोगे ना, यहाँ से वैल्यू छूट जाएंगी। ऑब्जेक्ट तो जब ही बिल्ड कर पाओगे ना जब स्ट्रक्चर मेरे पास डिफाइन होगा, जब तक स्ट्रक्चर ही डिफाइन होगा तो ऑब्जेक्ट का कहाँ करूंगा मैं, ले जाके कहाँ फिलअप करूंगा उसको। ठीक है, ये क्लियर है पॉइंट। चलो अभी हमें क्या करना है उसको आरबी मोड में ओपन करना है, और इसके लिए हमारे पास में अनपिकलिंग के लिए जो फंक्शन है उसका नाम क्या है, लोड फंक्शन। बिल्कुल, लोड फंक्शन सिर्फ फाइल की रेफरेंस जाएगी, ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा हमें ओबी। ओबी से कौन सा फंक्शन कॉल करवा दूंगा, डिस्प्ले। अगर ओबी से डिस्प्ले, भाई ऑब्जेक्ट आया मेरे पास मेमोरी में जाके स्टोर हो गया, अब उससे डिस्प्ले को क्यों नहीं कॉल करा सकता, बिल्कुल कॉल करा सकता हूँ। अब ओबी के पास में सब्जेक्ट की रेफरेंस है, ओबी डॉट डिस्प्ले कॉल कराऊंगा तो ये सारी डिटेल्स मेरी प्रिंट हो जाएंगी जो मैंने उसमें रखी थी। अमित 101 22, भाई मैंने एसटी से नहीं कॉल करवाया, एसटी से मेरा कोई लिंक नहीं है। मैं देखो कहाँ से रीड करके ला रहा हूँ ओबी को, फाइल से रीड करके ला रहा हूँ,
और तब जाके मैं डिस्प्ले को कॉल करूंगा। चाहो तो तुम इस तरीके से काम कर सकते हो, हमारे पास में डिस्प्ले को कॉल ना कराने की जगह है, हमारे पास में एक फंक्शन था जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब भी हम ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराते हैं। क्या नाम था उस फंक्शन का? एसटीआर फंक्शन। और वो किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है? हमेशा सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू ही रिटर्न करता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आईडी को कास्ट मारना पड़ेगा, एसटीआर सेल डॉट एसटी आईडी, हाँ यही होगा ना, एक स्पेस दे देते हैं बीच में। इसके बाद नेम को तो कास्ट करने की जरूरत है ही नहीं, एज को भी कास्ट मारना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कराने की जगह सिर्फ ओबी को प्रिंट कर दो। आगे जब डेटाबेस में भी ऑब्जेक्ट राइट करेंगे तो ये पिछले नाम पिछले वाला कॉन्सेप्ट काम आएगा। अच्छा, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे राइट हो जाएगा डेटाबेस में? कोई नहीं सकता वहां पे, थोड़ी ऑब्जेक्ट का कुछ डेटाबेस में कोई कॉलम होता है कि भैया इसको ऑब्जेक्ट राइट कर लेगा, तो इंट केयर वेयर सब चलता है। ठंडा क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? बस पीडीएफ वाला काम रह गया, वो मैं नेक्स्ट वीकेंड में कराऊंगा आप लोगों को अगर मुझे टाइम मिल जाता है। अभी तो मेरा वो क्लियर नहीं हुआ, अभी तो पीडीएफ पे मैंने काम कराया नहीं है।